अस्सलाम वालेकुम तां ॾिसी रहिया प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर आउं आहियां सूरज कुमार। कल जेको आहे इंडिया ऐं बंग्लादेश जो टेस्ट मैच कोन थी सघियो बारिश जी वजह सां, उनते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। चैंपियंस कप जो बि कल जेको आहे फाइनल खेलियो वियो पैंथर्स ऐं मरखोड़ जे विच में, हुन ते बि ॻाल्हि ॿोल कयूं था। मोहम्मद यूसुफ जेको आहे कल जेको आहे इस्तीफ़ा ॾेई छॾियो सिलेक्शन कमेटी जे जेको आहे मेंबर जे उहिदे तां। उहो छो ॾिनो इस्तीफ़ा, हुनजे पोयां छा वजह आहे, छाकाणि त इहो टाइमिंग जेको आहे तमामु घणी इंपोर्टेंट आहे। छाकाणि त कुझु ॾींहुं पहिरीं असां ॾिठो त इंग्लैंड जो जेको स्क्वाड अनाउंस थियो, हुन ई मोहम्मद यूसुफ साहब स्क्वाड अनाउंस कयो ऐं हुन सिलेक्शन कमेटी जा मेंबर आहिनि। हाणे अञा इंग्लैंड सीरीज शुरू ई कोन थी आहे, हुन खां पहिरीं जेका इस्तीफ़ा अची वियो, यानी हिन जे पोयां कुझु त आहे, कुझु त अहिड़ियूं शयूं थियूं आहिनि जंहिंजी वजह सां मोहम्मद यूसुफ जेको आहे इस्तीफ़ा ॾिनो। हुन ते बि ॻाल्हि ॿोल कयूं था। हुन खां पोइ जेको आहे बंग्लादेश जो हिकिड़ो फैन हुयो, हुनखे बि मारियो वियो आहे, हुनखे हुन ते तशदुद कयो वियो आहे इंडिया जे अंदरि कानपुर जे ग्राउंड में। हाणे वाकई में छा हुन ते तशदुद थियो आहे या न, या हीउ सिर्फ़ु ड्रामो हुयो, हुन ते बि ॻाल्हि ॿोल कयूं था ऐं मुख़्तलिफ़ शयुनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदा। स्पोर्ट्स जी दुनिया मूंसां गॾु मौजूदु आहे स्टूडियो में शोएब रहमान साहब, क्रिकेट एनालिस्ट आहिनि, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट आहिनि। शोएब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, छा हाल आहे सूरज? ख़ैर आहीं? बिल्कुलु ठीकु ठाक। शोएब भाई, सबसे पहले मेरे ख़्याल से इस्तीफ़ा जो अभी आया है बड़ा, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर से हलचल शुरू हो चुकी है क्रिकेट बोर्ड में, और हमेशा हलचल रहती है, कोई जाता है कोई आता है, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होता है। हर रोज़ कोचेस चेंज होते हैं, हर रोज़ कैप्टन चेंज होते हैं, कभी चेयरमैन जा रहे हैं, कभी जो हमारी सिलेक्शन कमेटी चेंज हो रही है, ये ड्रामा लगा रहता है। एक और ड्रामा कल हुआ है, मोहम्मद यूसुफ जो है वो इस्तीफा देके सिलेक्शन कमेटी से अलहदा हो चुके हैं। बताया ये जा रहा है कि उनके पास दो अहदे थे, उनसे संभाले नहीं जा रहे थे। एक अहदा था हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर वो कोच थे, एक ये सिलेक्शन कमेटी का मेंबर थे। तो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, कोचिंग के वो फराइज जो है वो अंजाम देते रहेंगे। जी शोएब यार, ये सब झूठी बात है। मतलब अगर उनको दो अहदे दिए गए थे, सारी बातचीत करके दिए गए थे ना, वो तैयार थे जब उन्होंने दो अहदे ले लिए थे। बिल्कुल। तो ऐसा वाकया इससे पहले हफीज के साथ भी हुआ कि जब हफीज डायरेक्टर थे, उनके मामला में मदाखलत हो रही थी और सिलेक्शन में या जो भी उनकी रिकमेंडेशन थी, सजेशन थी, उनको माना नहीं जा रहा था। तो उसने कहा यार मैं इस्तीफा देता हूँ। तो यहाँ भी जो सुनने में आ रहा है मोहम्मद यूसुफ के साथ के यार सिलेक्शन के अंदर कुछ उनकी तहफ़ुज़ात थी और वो चाह रहे थे कामरान गुलाम, जिसके हम भी हक में थे कि यार एक प्लेयर जब परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको उसी वक्त टीम में लिया जाए, और उसकी बात को नहीं माना गया और बाद में उसको कंपनसेट करने के लिए कि तुम्हारे पास भी न्यूज है तो उसको फिर कामरान गुलाम को रिजर्व में डाला गया कि जनाब ये कुछ मान जाए। और इसको मोहम्मद यूसुफ ने, और मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक किया, एक किरदार के आदमी को यही करना चाहिए कि यार जिस काम के लिए मुझे रखा है अगर मेरे उस काम पे आप क्यों इंटरफेरेंस हो, तो एक ये वजूहत सामने आ रही है। देखो हम पहले भी बात कर चुके हैं, यहाँ पर जो ग्रुप बना हुआ है ये पाकिस्तान की वाइल्ड टीम है जो बैकअप नहीं दे रही। बिल्कुल, हर दौर की आप टीम उठा लो, हर दौर में आपको एक प्लेयर्स का दूसरे प्लेयर्स का बैकअप मिलेगा। मैंने पहले भी तस्करा किया, आपके कप्तान मिसबाहुल हक इतना लेट वो लेके उनके पीछे जो थे इंजमामुल हक और दूसरे प्लेयर मौजूद थे तो वो लेट हो गए जब वो रिटायर हुए तो मिसबाहुल हक। यहाँ पर यह है कि आज आपको बाबर आजम का कोई अल्टरनेट नहीं मिलेगा, मोहम्मद रिजवान का कोई अच्छा अल्टरनेट है भी सही, उसको आने नहीं दे रहे टीम में कामरान गुलाम, आने नहीं देते। कामरान गुलाम अगर आ जाएगा तो इनको लगेगा यार ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई स्पिनर नहीं है। बिल्कुल, मकसद और स्पिनर किसको तरजीह दी जा रही है, शहजाद को, और अभी नुमान अली को वापस लेके आए जो कि 38 साल के हैं, यानी यंगस्टर कोई है ही नहीं हमारे पास। मैं बता रहा हूँ ना कि ये लोग सीरियस है नहीं, इनको ये है कि यार आपके पास फास्ट बॉलर नहीं आ रहा। अभी वो जो आपका इससे पहले मॉर्कल था ना, मॉर्नी मॉर्कल, बिल्कुल कोच, वो कह के गया है कि जनाब ये मेरी सुनते नहीं है आप, तो आप ना किसी फास्ट बॉलर को इन्होंने दे रहे हो, पहली दफा ऐसा हो कोई विकेट कीपर नहीं है आपके, सही है, तो मोहम्मद रिजवान किसी विकेट कीपर को इन नहीं कर रहे और ये आपके बाबर आजम हो गए। तो यहाँ भी ये वजह तो ये कि नहीं यार जैसे तैसे घूम फिर के मकसद जो है ना हमारी तरफ जो मामला आएंगे। अच्छा शोएब भाई, दो तीन चीज़ें सामने आई हैं। एक तो पीसीबी की तरफ से ये कहा गया कि भाई इनके पास दो अहदे थे, वो सारी की सारी तवज्जो जो है कोचिंग के ऊपर लाना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है मोहम्मद यूसुफ। तो फिर पीसीबी से सवाल करो कि आपने दो अहदे दिए क्यों, हाँ तब इसने कोई बात, आप क्या नाम है मिसबाहुल हक पे इशू उठा रहे हो, मिसबाहुल हक का तो कसूर नहीं है। अच्छा शोएब भाई, मोहम्मद यूसुफ ने जो ट्वीट किया उसमें ऐसी कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा पर्सनल रीजंस की वजह से मैंने इस्तीफा दिया है। अब हमारे पास जो खबर है वो ये है कि कामरान गुलाम को वो चाह रहे थे टीम में आए लेकिन उसको नहीं ले रहे थे टीम के अंदर, इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि भाई मैं इससे अच्छा है कि इस्तीफा दे। जो खबर हमारे पास है इस पे ये बिल्कुल हमें मुसद्दिक है 99%, इसके अलावा कोई और बात नहीं है। ये आपने दो अहदों की बात कर दी तो देने से मैं उस पर बात कर रहा था ना, मिसबाहुल हक पे। मिसबाहुल हक ने तो कह दिया था कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आपने तो उसको जबरदस्ती वेंटोर बना दिया।
अब ये भी यहाँ पर ये साथ हुआ, भैया दो औहदे हैं वो ठीक है रख सकता है, जब भी तो आपने दिया था। इसमें जो है ना मदाखलत बड़ी होती है और इस चीज ने हमारे क्रिकेट को तबाह करके रखा। आपका चैंपियंस कप जो है फाइनल कल खत्म हो गया, आखिर में आपके मेन प्लेयर्स नहीं खेले, हालांकि क्राउड व्राउड जो है फिर आखिर में नहीं आ रहा था, ज्यादातर क्राउड तो आ रहा था बाबर आजम की वजह से, वो ही नहीं थे। देखो यार तो ये तुमने भी देखा कि हम मुस्तकिल वाहिद मकान से हम लोग थे जो अप्रिशिएट कर रहे थे वाकई, तो वरना तो अहमद शहजाद, कामरान अकमल, उमर अकमल जैसे लोग किसी भी को उस पर भी गालियां बक रहे थे। टूर्नामेंट हमें पसंद आया, टूर्नामेंट कामयाब भी रहा, कामयाब रहा है बिल्कुल। एंड के अंदर पीसीबी ने जो है ना ऐसी बंड मार दिया, अरे यार वो कामयाब टूर्नामेंट हुआ इस वजह से कि आपके सारे के सारे सुपरस्टार जो थे वो खेल रहे थे, क्राउड्स का इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो गया, तो लोग बड़ी तादाद में मैचेस देखने जा रहे थे। बिल्कुल। अच्छा फिर उसमें क्या था कि आखिर तक प्लेयर्स पे परफॉर्मेंस का था कि यार हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई तो हम हो सकता है टीम में आ जाए। सही है। तो फाइनल यार इसमें तीन मैचेस की तो बात थी, तीन मैचेस के बाद आप स्क्वाड अनाउंस कर लेते हैं, स्क्वाड अनाउंस कर लेते हैं, तो आपने वो करके भंड मार दिया, तो क्राउड का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। तो आपको लगता है कि यार ये जो प्लेयर्स का जो फैसला था कि भाई उनको नहीं खेलने चाहिए जो स्क्वाड में ना, ये गलत फैसला था? ये गलत था ना, आप उसको टूर्नामेंट को चलने देते ना, आपने इतना अच्छा टूर्नामेंट रहा है एंड में उसको आप चलने देते, फाइनल में आप देखो ना इंटरेस्ट ही लोगों का खत्म हो गया ना, पब्लिक को ने देखा ना कुछ किया, तो ये कुछ पीसीबी ऐसे भंड मार देती है कि वो हमेशा वो मुंह पे आ जाते हैं, देने के बाद मैंगनी कर देती है, तो वही काम ये पीसीबी ने भी किया। चले शोएब भाई हम ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन ब्रेक द ऑटो में ब्रेक आप वापस ना वादी गिंदे भी गलाईंदासीं ऐं पोइ जेको इंडिया जी मैचिस आहिनि, इंडिया में वॾो मज़ेदार शयूं थियनि पियूं हुन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ब्रेकअप वेलकम बैक नाज़रीन, तव्हां ॾिसो प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर, असां ॻाल्हि ॿोल कई पाकिस्तान क्रिकेट जे हवाले सां ऐं शोएब रहमान साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। शोएब भाई वापसि आते आपकी तरफ़, पाकिस्तान क्रिकेट में आए दिन तब्दीलियां होती हैं, ये शायद वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जिसमें चार सालों में तीन चार चेयरमैन तब्दील हो जाते हैं, कोचेज तब्दील हो जाते हैं। अभी भी आप देखेंगे अगर चैंपियंस ट्रॉफी में हमने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी तो गैरी किस्टन भी आपका जाएगा, फारिग हो जाएगा। तो आए दिन ये तब्दीलियां क्यों हो रही है, यानी कोई फैसले करने वाला कोई बंदा हमारे पास है या नहीं है, क्योंकि इतने भंड मारते हैं एक क्रिकेट बोर्ड वाले। रावलपिंडी की जगह कराची में मैच होनी थी इंग्लैंड की, वो रावलपिंडी चली गई। हर रोज़ यानी नए फैसले, जो फैसले पहले होते हैं उसको तब्दील किया जाता है, इतने भंड इतने मसले क्यों हो रहे हैं शोएब? यार इसमें बार बार मैं एक जुमला कहता हूँ कि इसमें सारा कसूर, सबका सब कसूर मेन एडमिनिस्ट्रेटर पीसीबी चेयरमैन का। जब तक पीसीबी चेयरमैन स्ट्रांग नहीं होगा तो वो ये हमारे यहाँ ये होता, हर कोई अपनी सीट बचाने के चक्कर में। यार पीसीबी का मुल्क के अंदर कोई और आदमी नहीं है, जनाब इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, पीसीबी का चेयरमैन भी बना दिया और कुछ दसियों काम वो और भी कर रहे हैं, तो वो इधर टाइम दें उधर टाइम दें, भाई फुल टाइम पीसीबी का चेयरमैन चाहिए। क्रिकेट जो है ना हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा स्पोर्ट है, और तो ये जो इसमें ऐसी तैसी कर रखी है कि आए दिन कोई ना कोई भंड होते रहते हैं, इसमें प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है, कुछ नहीं। वो फखर जमा के मुतालिक हम बात कर रहे थे, उसने बड़ी अच्छी बात की, आप सर्जरी सर्जरी की बात करो, यार सर्जरी जो है पीसीबी के अंदर उनके आपने जो रेलू कट्टे बिठा रखे हैं उनकी होनी है। प्लेयर्स इसका मतलब है कि चेयरमैन तो ठीक है वो पीसीबी के चेयरमैन है, उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारी, उसके नीचे जो काम करता है एडमिनिस्ट्रेटर वही तो सारा आपका देख रहे हैं, उसमें चेयरमैन उन पे स्ट्रांग नहीं होगा, वो उनकी खबरगिरी नहीं करेगा, तो ये मामला होंगे ना। हर कोई जनाब मेडिकल बोर्ड जो है वो सना प्लेयर से मिल जाता है, वो अनफिट प्लेयर को फिट करार दे देता है, वही ना देखे आए दिन बंदे चेंज होते। अब वकार यूनुस साहब थे, वो सुना था कि वो अब देखेंगे सारे क्रिकेट के मामला, वो भी चले गए, स्टेप डाउन हो गए। एक बात मैं बता दूं, वकार यूनुस का मामला कहां आप उसको एक्टिंग चेयरमैन बना रहे थे और कहां आप उसको मेंटर, मेंटर एक छोटा होता है बिल्कुल। वकार यूनुस जो है एक्टिंग चेयरमैन बनकर आ रहे हैं बिल्कुल, वकार यूनुस टीम के कोच रहे हैं सही है, और उसके बाद मेंटर गए, तो यार आप तनजुली कर रहे हैं ना। और प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए कि यार आप इतनी हाई सीट पे रहे हो, उसके बाद आप वो अफसर से क्लर्क बन रहे हो, सही बात। अच्छा फिर इतने बड़े बड़े यूटर्न्स, यानी एक फैसला करते हैं फिर उस पे जो है तब्दीली आती है, दूसरा बंदा फिर रखते हैं उसके ऊपर, कोई सोच विचार नहीं है क्या? तो कहीं से सूरज पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया, हर किसी को ये होता है कि यार मेरी नौकरी बची रहे, मेरे पैसे बनते रहे, और मुझे अगर किसी के साथ ग्रुप होके चलना पड़ जाए, मकसद ये जो प्लेयर्स आपस में ग्रुपिंग कर लेते हैं, यार इनको भी तो होता है ना कि यार हमने दो साल निकाल लिए इतने करोड़ रुपए अंदर हो जाए, सही है यार, इससे पहले तो ये चीज ऐसी नहीं होती थी ना। तो ये इस ग्रुपिंग ने जो है ना हमारे इस खेल का, ये खेल हम इस पे खुश थे कि यार मुल्क में जो मामला चल रहे हैं
अगर हमारा स्पोर्ट्स जो है ना वो बेहतर चल रहा, वो बेहतर क्रिकेट चल रहा है स्पेशली यहाँ, और क्रिकेट हमारी थी बाकी स्पोर्ट्स अच्छी तो हमारी थी, तबाह है भाई, हमारी बाकी क्रिकेट स्पोर्ट्स से। तबाह हो गए थे। क्रिकेट तो हम साल डेढ़ साल पीछे चले जाए कुछ भी कह लो, फिर भी मकसद हम कहीं गिनती में तो आते थे ना, मगर ये 2020 के बाद का जो एरा आया है ना, वो बहुत इसने खतरनाक और गंदा हमारी आया है ये क्रिकेट को तो। भी, हालांकि देखो मेरे पास एक फिगर थी, आज की डेट में भी हम हाँ स्पोर्ट्स की बात करें ना, हम सिर्फ इंडिया से बात करें हाँ तो इंडिया से हम हर स्पोर्ट्स में आज भी आगे हैं, इतनी बदहाली के बाद। सही है। कि कबड्डी में हमने 56 मैच जीते, इंडिया ने 21 जीते हैं। स्क्वाश के अंदर हमने 39 जीते हैं, इंडिया ने 14 जीते हैं। हॉकी के अंदर हमने 82 जीते हैं, सही है। इंडिया हमसे 56 मैचेस जीत चुका है। T20 के अंदर शायद हमने 2 जीते हैं, हाँ इंडिया ने 7 जीते हैं। सही टी है। ट्वेंटी एक ऐसा है जिसमें हम पीछे हैं। बाकी टेस्ट के अंदर हमने 13 टेस्ट मैच जीते, इंडिया ने 9 जीते हैं। ओडीआई के अंदर हमने 73 जीते, इंडिया ने 52 जीते हैं। यानी ये चीज बता देती है कि हम लोग स्पोर्ट्स के अंदर कहाँ खड़े थे और अब हम कहाँ और पहुंच गए। आबादी भी आपकी देखिए, आपकी सिर्फ 22 करोड़ है, वहां पे 200 करोड़ है, तो दो उस सौ हिसाब से करोड़ आपकी यार तो वहां जबरदस्त से आप परफॉर्मेंस। देखो ना कितना, और यहाँ से आपने टैलेंट और निकाला हॉकी में भी जब, हमने 4 वर्ल्ड अच्छा कप जीते दूसरा हैं। ये कि वहां पर कितनी सरपरस्ती है स्पोर्ट्स को, यहाँ पर तो सरपरस्ती है ही नहीं। उसकी वाजे मिसाल अभी करंटली अरशद नदीम, बिल्कुल मकसद एक अपने बलबूते पे निकल के गया है, वहां पर इंडिया ने कितना पैसा लगा दिया, मगर एक फेयर टैलेंट था तो वो खुद से अपने बलबूते पर आ गया। हमारी हुकूमत का तो उसमें कोई अमल दखल नहीं है उसमें। सही बात है। तो शुभ भाई यहाँ पे एक और ब्रेक लेंगे, बिल्कुल ब्रेक के बिल्कुल, बाद वापस हमें आएंगे। हमारी चाय भी आ जाए तो हाँ अच्छा। नाजिन, ब्रेक वरना देते हैं, ब्रेक अब वापस इंदा थी। इंडिया में जेका मैच खेली पे वे बांग्लादेश इंडिया विच में, उते जेको है लंगूरन के भी जेका तैनात कयो वियो है ग्राउंड जे अंदर सिक्योरिटी लाइ, उते ॻाल्हि कंदासीं ब्रेकअप। वेलकम बैक नाज़रीन, अब बात करते हैं इंडियन क्रिकेट के हवाले से। वहाँ पे कानपुर टेस्ट चल रहा है और वैसे ही बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है। वहाँ पे एक बांग्लादेशी फैन था, उसको भी कूटा मारा या उसको डिहाइड्रेशन हो गई, उस पर भी बातचीत करेंगे। साथ में जो हमारे फहीम अशरफ, जो हमारे बैन स्टोक्स हैं इंडिया पाकिस्तान के, वो भी इंडिया गया हुआ है अमृतसर, किस वजह से गया हुआ है, क्या उसको ऑफर आई है, क्या माजरा है, उस पर बातचीत करेंगे। उसके साथ साथ जो है IPL और PSL का एक बार फिर से मुकाबला होगा, क्योंकि 2025 में PSL और IPL एक साथ खेले जाएंगे। तो कौन से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो अभी से PSL खेलने के लिए राजी हो चुके हैं और वो ड्राफ्ट में नजर आएंगे, और IPL का अगर बात करें तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट आई है कि वो क्रिकेटर्स जो कि IPL को बीच में छोड़ के जाएंगे तो वो बैन हो जाएंगे 2 साल के लिए, उस पर बातचीत करेंगे। शोएब रहमान हमारे मुझे शोएब भाई, सबसे पहले तो लंगूरों की बात कर ले। लंगूरों को तैनात किया गया है इंडिया के अंदर कानपुर के स्टेडियम में। अब जो वहां पे बंदर है ना, वो बड़े तंग करते हैं, नीचे जैसे कैमरामैन वगैरह खड़े होते हैं ना, उनके सामान को छीन के चले जाते हैं। तो इंडिया ने क्या किया, लंगूरों को तैनात किया है वहां पे। ट्रेंड ये लंगूर तो है, ऐसे नहीं, हाँ, ये मैं इंडिया तो वाकई में जो कुछ लंगूरों भी की करे, बात कर रहा हूँ, जानवर लंगूरों की, इंसानों की नहीं बात कर रहा। ये तो इंडिया तो जो कुछ करे कम है, नहीं इंडिया चीज लेकर हाँ आई है, हमें भी हाँ बहरहाल अजीब तो लग सीखना रहा है चाहिए, लेकिन इससे जरा भी सीखना सीखना चाहिए। चाहिए कि हाँ इंडिया ने अपने लंगूरों को भी जो ना काम में ले लिया, उनको हाँ तैनात और कर हम दिया। अपने जो असल वाले हमारे लंगूर है, वो हमारे तो असल वो है, वो ना इंसान लंगूर हो नहीं, वो गए ना भाई। लंगूर बन रहे हैं ना बंदर बन रहे हैं, कुछ नहीं बन रहे यार यहाँ तो। और ये कमाल की बात है कि जनाब वो तैनात कर दिया और बंदरों से निजात हाँ देगा और मैच को होने देगा, होने तो ये देगा, बड़ी अच्छी चीज है लेकिन जनाब। वो इंसान लंगूरों को वैसे तो ही, तैनात किया, लेकिन इंसान वैसे बारिश ही, से कैसे बचे। हाँ बारिश से कैसे बचे ये समझ में नहीं आ रहा उसमें से। और ये मेरे ख्याल से चौथा दिन भी जो है आज ना, चौथा दिन भी हाँ लग नहीं रहा हाँ कि जी होगा। भी वो बराबर हो गया मैच और हाँ ये मैच अब टाई हो गया ऑलमोस्ट। टाई हो अच्छा गया। यहाँ पर चलो इंडिया तो ठीक है, अभी चैंपियंस जो आपकी लीग है, चैंपियनशिप की जो टेबल है उस पर टॉप पे है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक आधे मैच के लिए अगर ये रह जाते हैं फाइनल से, तो ये सबसे सब बड़ा मैच होगा, क्योंकि ये बांग्लादेश के खिलाफ तो जीत जाते ना आराम से। अब नहीं ये टाई हो जी, रहा है तो पॉइंट्स डिवाइड हो नहीं जाएंगे। पॉइंट्स डिवाइड हो जाएंगे फिर, और वो सीरीज का भी तो एक पॉइंट होता है ना भाई। इंडिया ये सीरीज हाँ जीत रहा है, जीत दो रहा है, टेस्ट मैच की सीरीज से जीत जाएगा, मगर नहीं इंडिया मतलब की जो, लास्ट मैच अभी रहता है ना, तो हो हाँ सकता है हाँ बांग्लादेश जीत जाए। अब वो हो सकता है, मगर जिसके चांस कम है उम्मीद चांस कम से। है, उम्मीदें कम मगर है। एक मेन जो चीज है, इंडिया ने अगर ऑस्ट्रेलिया को मार लिया हाँ फिर तो भाई तो मेरा ख्याल है कि फिर वो इंडिया जो है ना, मुझे वो फाइनल में पहुंचता हुआ नजर आएगा। वो सीरीज जो है ना गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी, वो मैन तो वो डिसाइड दोनों करेगी टीमें फाइनल जो है में। ना बड़ा उस पर काम कर रही हैं, और इंडिया भी उस पर, वो ऑस्ट्रेलिया की भी अभी से उन्होंने प्रेशर करना शुरू कर दिया कि है। भाई हम 5-0 से हाँ हराएंगे। 5-0 से हराएंगे, वो हाँ उनकी वो टैक्टिक्स हैं और हाँ वो इस किस्म के बयान देते हैं, तो वो सीरीज बढ़िया और है इंडिया भाई। का स्क्वाड भी अभी अनाउंस हुआ है 3 मैच सीरीज का अगेंस्ट बांग्लादेश T20 का स्क्वाड। सूर्य कुमार यादव जो है कैप्टनसी के फरहाद अंजाम, भी कोहली नहीं है,
शर्मा नहीं है, लेकिन यही टीम थे जिन्होंने श्रीलंका को हराया था श्रीलंका में जाकर T20। अच्छा वो T20 के अंदर इंडिया इतनी बड़ी टीम हो गई है, इतने प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल ही। अभिषेक शर्मा एक नया नाम आया है, मयंक अग्रवाल है मेरे ख्याल से एक, वो भी वो बिल्कुल ही डिफरेंट टीम। जब वो टेस्ट की बात करते हैं तो वो जो टेस्ट के चेहरे हैं तो वो सामने आ जाते हैं, और इंडिया की अभी बहरहाल वो डोमिनेट कर रही है तीनों फॉर्मेट्स में। बांग्लादेश तो बहुत ईजी टारगेट रहेगा, वो बांग्लादेश तो पाकिस्तान से जीत के बीच में तो पाकिस्तान ने इंजेक्शन लगा दिया, वरना तो बांग्लादेश तो बेचारी डाउन हुई हुई थी। अच्छा अभी जो अब तो पाकिस्तान से कोई भी टीम आ जाए ना वो शायद खुश हस्ती गाती यहाँ से जाए। अच्छा बांग्लादेश का एक फैन था, आपको पता होगा बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी टाइगर, उसके खल मैंने उस पर लिख दिया, तो मुझे भी वो इंडियन क्राउड जो है ना कल देखे यार। सबसे पहले हम आपको बता दें, चीज़ों को पहले समझा करें यार, फौरन ही नहीं शुरू हो जाए कि यार इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हम कह क्या रहे हैं पहले ये सुना करें। जी शोएब भाई, ये जो खाल पहन के बांग्लादेशी फैन था वो शायद समझ रहा था यही सर्कस है, यही पे एक्टिंग शुरू करो। तो वो जो है ना बड़ा मशहूर उनका फैन है, जितना पाकिस्तान के अंदर वो चाचा क्रिकेटर है, तो इसी तरह वो इंडिया का है, इसी तरह इंडिया का भी इसी तरह तरीके से धोनी का एक बहुत बड़ा फैन है वो, लिखा के आते हैं। ये बांग्लादेश का ये सब जगह जो है ना वो मखाते पता नहीं खाल पहनता है या पेंट कराता, पेंट कराता है, इस बार तो पहनी हुई थी उसको, डिहाइड्रेशन हो गई जिसकी वजह से। अब वो वल्ला आलम हम समझे कि जनाब क्राउड ने मारा, अच्छा क्राउड ऑन भी कर रहा है उसको मारने का, बिल्कुल वो कह रहा था कि भाई सिराज को गालियां दी हम तो मारेंगे, ऑन कर रहा था। अब वो बात के अंदर बात आ रही कि नहीं जनाब रिहाइड्रेशन हो गई, तो अब ये पता नहीं मीडिया बात को कवर। अच्छा शोभा, एक मैंने वीडियो देखी, वो बड़ा टहलते हुए ग्राउंड से बाहर निकला है, जैसे उसने कैमरा देखी है उसको लगा ये बॉलीवुड का कैमरा है, ऑडिशन दे दो। उसने एक्टिंग ऐसी शुरू की है भाई, नीचे लेटा है वो और फिर बात ही नहीं कर रहा है किसी से, सब लोग उनसे पूछे थे भाई क्या हो गया, वो इशारे करता जा रहा है मुझे यहाँ मारा है, यहाँ मारा मेरी पसली तोड़ी। उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई उसमें ये पता चला है भाई उसको डिहाइड्रेशन हुआ, किसी ने नहीं मारा, कोई चोट का निशान तक नहीं था। तो वो मुझे भी गालियां पकना शुरू कर दी, कम से कम थोड़ा सुना तो करे ना, अभी आखिरी बात आपने सुनी नहीं होगी, पहली ही बात पे आप जो गालियां शुरू कर दे तो वो मीडिया वो आवाम को भी चाहिए जरा उसको सुने तो सही पूरी बात है क्या वजह हुई है, उसके बाद फिर वो क्लियर पता चला। कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी होगी, चलो मैच तो नहीं होगा लेकिन एक ऐसी चीज मिली इंटरेस्टिंग, एंटरटेनमेंट हो गई, तफरी हो गई। टाइगर ने भी अगर फर्ज करो अगर वो भी उसने सिराज को गालियां बके कुछ कहें तो गलत भी है, गलत भी है इसमें कोई शक नहीं। और बांग्लादेशी तो चंद फैन गए होंगे, इंडिया के इतने बड़े फैन आए होंगे, इतने ज्यादा बैठे हुए हो और फूट तो लगेगी सारी बात है, आपको बुलाया है वीजा दिया है तो आप कम से कम कुछ प्रोटोकॉल का तो ख्याल। लेकिन शोभा एक बात है, अब जब इंडिया जाएगा बांग्लादेश में खेलने उनको ये बात याद होगी, हो सकता है वहां जाके वो रिटेलिएट करें, बदला लें। टसल चलती है इंडिया के और पहले भी आपने तस्वीरें देखी होगी धोनी का सर कटा हाथ में, वो तस्वीरें पोस्टर लगे थे वहां पे इंडिया। एक चीज बताऊं कि अगर फर्ज करो बांग्लादेश में कोई टूर्नामेंट हो रहा हो, बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीम, बांग्लादेश की टीम आउट हो जाए तो बांग्लादेशी सपोर्टर जो है ना पाकिस्तान के साथ हो जाते हैं। हाँ ये बांग्लादेश ये बात है, अगर वो शायद अफगानी हो जाता है इंडिया के साथ, ग्रीन ग्रीन को सपोर्ट करेगा, ब्लू ब्लू को, अफगानी वहां जाते ना। तो यहाँ ये बात है कि बांग्लादेशी जो है ना फौरन पाकिस्तान के साथ, क्या ठीक है अगर हमारी टीम नहीं तो फिर हम सेकंड टीम पाकिस्तान को सपोर्ट करें। सही, आगे जो आ रही है आपकी PSL और आपकी जो है चैंपियंस ट्रॉफी के वाले से बहुत बड़ी खबर है भाई, मोहसिन नकवी साहब मिलने जा रहे हैं जय शाह से, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का फाइनल होगा उसी दिन जो मोहसिन नकवी साहब मिलेंगे आपके जय शाह से, और फिर जो पता चलेगा कि इंडिया वाकई में पाकिस्तान आ भी रही है या नहीं। अच्छा शोभा, यहाँ पे दो चार चीज़ें देखें, अगर अभी से हमें पता चलेगा कि वाकई में इंडिया आ रही है तो आपको पता है कि जब इंडिया आएगी तो उसके लिए अलग से मामलात होते हैं, अलग से सिक्योरिटी प्लान्स बनते हैं, तो पाकिस्तान को कम से कम दो चार महीने पहले तो पता होना चाहिए कि इंडिया आ रही है या नहीं। पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान अच्छा यानी जिनको सिक्योरिटी, इंडिया को भी पता है। इंडिया को पता है कि हम नहीं जा रहे, पता सिर्फ हम दोनों को नहीं है, बाकी सबको पता है, पाकिस्तान को पता है कि इंडिया नहीं आ रही मगर आवाम को नहीं पता। तो ये मैं एक खबर है फिर दोबारा ब्रेक कर देता हूं, नहीं नहीं छोड़ दे, पाकिस्तान को भी पता है और इंडिया को भी पता है क्या होना। नहीं फिर भी एक शेड्यूल आना चाहिए, कम से कम टिकट्स की बुकिंग होती है एक एक साल पहले बुक हो जाते हैं टिकट, इससे तो अल्टीमेटली नुकसान तो पाकिस्तान क्रिकेट का होगा ना। देखो कि जब आपने यहाँ पर अनाउंस करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कितनी बड़ी गलती करी, अपना चैंपियंस कप की ऐसी तैसी कर दी, आखिर के तीन दिन हो गया, तो अब अगर इंडिया अनाउंस कर देता है चैंपियंस ट्रॉफी में कि हम नहीं जा रहे तो यार फिर भी नुकसान है, तो अभी तो वो दोनों खेलने में लगे हुए, नहीं नहीं आप आए, अनाउंस करते हैं तो भी नुकसान है, अनाउंस नहीं करते तो भी नुकसान है, वो दोनों ने अभी शशोपंज में मुब्तला है कि जनाब वो आते हैं नहीं आते हैं। फिर उन्होंने देखा है कि ज्यादा नुकसान कहाँ है,
वही उन्होंने किया कि इंडिया भी चुप है एंड के अंदर, तो इंडिया से कहे भैया अच्छा अभी चुप रहो आप भी ना बताओ, और पाकिस्तान से कह दिया कि आप जो ना अपने एफर्ट्स करते रहो आप जाओ रिनोवेशन तो कर रहे हैं, जिस तरह दुल्हन को मनाया जाता है ना कि हाँ भाई तो दूल्हा, तो ये मुलाकात बेसिकली रखी गई है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का जिस दिन फाइनल होगा, दिलाई जाएगी कि नहीं नहीं हमारी बात हो गई और इंडिया आएगी, और अगर इंडिया नहीं आएगी तो हम भी जनाब 2026 में एशिया कप है जो एशिया कप उसमें नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे बस अभी से कह सकते हैं ये बातें। अच्छा शोभ भाई ये एक और खबर भी आई है कि अक्टूबर के अंदर शेड्यूल भी आ जाए चैंपियंस ट्रॉफी। अरे एक खबर और बता दे, तुमने भी पढ़ी होगी सरफराज के हवाले से, अच्छा जैसन गिलेस्पी ने जो बयान दिया तुमने नजर से गुजरा? नहीं नहीं देखो मैं मुस्तकिल तो मेरे अपने प्रोग्राम में बात कर रहा था कि यार सरफराज को चाहिए अपने फ्यूचर को प्लान कर ले, जैसन गिलेस्पी ने जो हमारे रेड बॉल के कोच हैं उन्होंने बयान दिया है कि नो डाउट सरफराज की बड़ी खिदमत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, उन्होंने जनाब U19 का वर्ल्ड कप जीत के दिया हमें, चैंपियंस ट्रॉफी वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत के दी 2017 की, तो वो जनाब टीम नंबर वन रही, मगर हम किसी की गुजरती उम्र को वापस नहीं ला सकते, नहीं ला सकते बिल्कुल। तो वो 37 साल के हो गए, 37 साल का मतलब होता है 40 साल बिल्कुल, तो अब वो अंधिया दे रहे हैं कि सरफराज अब किसी काम के लिए 37 साल का मतलब होता है 40 साल, हमें ऑडियंस को भी समझा दो। यहाँ पर एक सीधा सीधा मसला है, ये मैं बात नहीं कर रहा, ये हमारे पुराने प्लेयर भी बात कर चुके हैं, शाहिद आफरीदी भी बात कर चुका है, हमारे यहाँ होता यह है कि जो U19 खेल रहा होता है वो असल में U19 क्रॉस कर चुका होता है, अच्छा तो यहाँ पर 3 साल का प्लस कर लेते हैं, तो अगर सरफराज आज 37 के हैं तो सरफराज हो सकता है 40 के हों, तो वो अंधिया दे रहा है PCB उनको कि यार अब आप टेस्ट टीम में नहीं आ सकते, तो मेरा भी मशवरा ये है कि यार तुम्हें लास्ट ईयर जो है कोटिया ग्लेडिएटर्स ने अपनी कप्तानी से हटा दिया बिल्कुल, तो हम नहीं चाहेंगे पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम सरफराज की इज्जत पानी वानी पिलाता रहे, यार तू पानी पिलाता रहे भैया, इससे बेहतर नहीं है कि जनाब एक टेस्ट मैच का तुम मांग लो वो तुम्हें PCB भी दे देगा। अच्छा एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा कोई अगर पाकिस्तान में कोई क्रिकेटर कमा रहा है वो सरफराज अहमद है, मेंटोर भी है, टेस्ट क्रिकेट की फीस भी आती है, पाकिस्तान के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट भी अभी तक है, पैसे तो आपको मिल ही रहे हैं, तो पैसे मिला तो भी छोड़ दें क्रिकेट यार, तो अब आप सीधा सीधा रिटायरमेंट का अलार्म कर दो, अभी आप मेंटोर थे आपने खुद ही कह दिया कि यार मैं टीम का, और आपकी टीम नंबर मेंटोर बॉटम पे रही है बिल्कुल, हाँ सरफराज की टीम मेंटोर होते हुए, और आपने बीच में कह रहे हो कि नहीं यार मैं चाहता हूं यंगस्टर को मौका मिले, यार ये पाकिस्तान क्रिकेट का वाहिद दौर है जो कि जिसमें आपके पास बैकअप पे कोई विकेट कीपर नहीं है, सही है, मतलब हिस्ट्री में पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, और विकेट कीपिंग जो है बड़ी अहम पोजीशन होती है जिसपे कोई बात ही नहीं कर रहा, तो आप विकेट कीपर तो तैयार करो, आप कम से कम जो आपकी फील्ड है उसमें काम करो, तो अब सरफराज अपने साथ ज्यादती करेंगे अगर नहीं रहेंगे तो वो पानी पिलाना उसको पसंद है सिर्फ पैसों की खातिर, फिर हम क्या कह सकते हैं, आपका राणा फहीम अशरफ भी इंडिया पहुंचा हुआ है, राणा साहब को तो समझ में नहीं आ रही आज की तारीख में, अभी क्योंकि फहीम अशरफ इंडिया में, आज की तारीख में इंडिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर फहीम अशरफ है हार्दिक पांड्या के बाद, वो इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर जितने भी ऑलराउंडर वो नंबर वन पे, नंबर वन बैन स्टोक है भाई, वो पाकिस्तान के भी नंबर वन, मकसद चाइना के बैन स्टोक बना हुआ है, वो क्या बना, अच्छा पाकिस्तान के जितने भी नंबर वन है ना वो पता नहीं कहाँ से नंबर वन है, नंबर वन कोई एक परफॉर्मेंस नहीं मगर सबके सब नंबर वन है, वैसे जो है वो गए अमृतसर में अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने के लिए और मिलने के लिए गए, उन फैंस को भी सलाम है जो फहीम अशरफ के फैंस हो गए, अच्छा मतलब कैसे राणा साहब, तो प्लेयर तो अच्छा था पहले लेकिन बीच में तो खत्म हो गया ना, हाँ। जो अब नहीं है तो नहीं है, मतलब उसको चाटते रहेंगे अब शादाब के, आप एक जमाने में बहुत बिल्कुल बिल्कुल मैं नहीं था, मतलब बात करते थे जब अच्छी परफॉर्मेंस देते थे, तो अब तो शादाब तो कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे मगर वो टीम के अंदर जो है ना, अच्छा उसके ससुर का बयान वो बेचारा कह दिया गया, उसने मैंने तो उनको नहीं किया, उसने तो ड्रॉप सीन कर लिया भाई, नहीं नहीं मैंने कोई मैंने कुछ भी नहीं कहा, ये पता नहीं खुद से निकाल दिया था उसने, तो बहरहाल ये क्रिकेट की बातें चलती रहती हैं। हाँ अच्छा PSL और IPL पे आखिरी बात करते हैं, वहाँ असल में क्या होगा कि 2025 में PSL जो है ना ऐसी तैसी हो जाएगी, ऐसी तैसी होगी क्योंकि हर फ्रेंचाइज ओनर जो इस वक्त ये कह रहा है कि 10 साल हो गए आज तक हमने एक फूटी कौड़ी नहीं कमाई, लगा ही रहे हैं हर साल, ये क्या सीन है, यानी दुनिया भर की जो लीग्स कमा रही है पैसे हमारे फ्रेंचाइज ओनर जानबूझ कर रो रहे होते हैं या वाकई में, IPL के बाद जो है ना दूसरी महंगी तरीन लीग है, इसकी रिपोर्ट्स आती चल रही हैं, अब ये ऑनर कह रहे हैं कि जनाब वो कमा, IPL के बाद जो है PSL का ही नंबर आता है अच्छा? पूरी दुनिया के अंदर बड़ी लीगों के अंदर, नहीं आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही होगा, उन दोनों आपस में जमीन आसमान का फर्क है मगर क्या करें कि इंडिया इतना आगे, और फिर दूसरी बात ये है कि दोनों जो है फरवरी के अंदर होने तकरीबन सेम डेट, नहीं फरवरी के अंदर नहीं, वो मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होंगे, उसके बाद होंगे मार्च या अप्रैल के अंदर होगा, अप्रैल के अंदर होगा है ना, दोनों की डेट जो है ना बिल्कुल एक हैं, तो कहने में ये सुनने में ये आ रहा है कि जनाब जो बंदे IPL के अंदर सेलेक्ट नहीं होंगे ना वो रेलू कट्टे जो, अरे यार वो रेलू कट्टे को तुम यहाँ सेलेक्ट नहीं करो, तुम अपने डाल दो, सही बात, मकसद वो वहां पर 40-40 साल के बुड्ढे जिनको अपना
मुल्क खिलाना पसंद नहीं करता, उन्होंने कोचिंग पे लगा रखा है और उनको तुम उठा के पीएसएल खिला देते हो तो कितनी रकत का सवाब मिलता है। तो इस पहले तो चलो चंद प्लेयर्स आ ही जाते थे, लेकिन इस बार तो पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि वो सारे आईपीएल में खेलेंगे। प्लेयर्स को इंडिया देखो मुंह से नहीं कहता, इंडिया ना लिख के देता है, मगर इशारा ऐसा देता है कि यार अगर किसी तरीके से तुम कहीं से तुमने पीएसएल को प्रमोट कर दिया तो फिर तो तुम्हें यहाँ से आईपीएल में तुम्हारा चांस नहीं। अच्छा एक बात तो है, कैसी खेल के नहीं दिया यहाँ पर। तो देखिए ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं जो कि पीएसएल भी खेलते हैं आईपीएल भी खेलते हैं, राशिद खान आपने नाम लिया, अब तो राशिद खान आगे दिखा, अब नहीं आएगा पीएसएल, सवाल ही पैदा नहीं। अफगानिस्तान का कोई भी क्रिकेटर अब नहीं आएगा। और एक वो वेस्ट इंडीज का प्लेयर था, पता नहीं कौन था, वो यहाँ पर नहीं आया और वहां चला गया, उसने भी अपनी अनफिट, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, फास्ट बॉलर था क्या था। अच्छा। वो पीएसएल में चला गया, वो अकील हुसैन था शायद, कौन शायद आईपीएल में चला गया था, पीएसएल में नहीं आया, पीएसएल में नहीं आया। तो नो डाउट आईपीएल की बहुत बड़ी बात है, वो प्लेयर आ जाते हैं जो यहाँ पर खेलते हैं और वहां जाके कोचिंग स्टाफ बन जाते हैं। बिल्कुल। एक चीज तो पोलार्ड जो था, पोलार्ड सैमी, हाँ, तो यहाँ पर वो खेल रहे हैं और वहां कोचिंग स्टाफ है। यार यार ऐसे प्लेयर्स को लेने के लिए भैया, तो हमारी लीग इस वजह से पीछे है, क्योंकि पीछे है कि जनाब आपने सेकंड ग्रेड के प्लेयर्स खिला रहे हो, तो यार इसके अंदर फिर आप अपने, इससे पहले शुरू में कामयाब थी ना हम जब बाहर के प्लेयर नहीं ले रहे थे। देखिए तो अभी भी बाहर के क्रिकेटर्स यूएई में अगर लीग होती है तो आने के लिए तैयार है, पाकिस्तान में जहाँ लीग होती है तो वहां पे थोड़े नखरे। पाकिस्तान में ना आप कोई सिक्योरिटी के इतने बड़े मामला कुछ है, इंडिया का मामला है, इंडिया उसको, हर प्लेयर को ये पता है कि यार हम खामखा इंडिया से क्यों पंगा ले। तो इंडिया क्या ये बीसीसीआई इतना वेला है कि पाकिस्तान के लिए लोगों को प्लेयर्स को जो है ब्लैकमेल करेगा। पाकिस्तान का पता नहीं महंगा तरीन प्लेयर जो है ना 2 करोड़ का है, कितने का है, इससे ज्यादा कोई नहीं मिलते पीएसएल के अंदर, वहां पर वो 17-17 करोड़ 20-20। तो मेन बात पैसों की है ना, सारी पैसों की बात है ना, तो कहां यार 2-3 करोड़ रुपए और कहां 15। अब वो अफगानी प्लेयर्स को 17-17 करोड़ मिलते हैं, अब वो पाकिस्तान, उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं देखे इतने पैसे। अब पाकिस्तान के अंदर उसको लगाओ तो वो 2.7 से मल्टीप्लाई कर दो, 40-40 करोड़। मिचेल स्टॉक उसको एक एक ओवर में 33 रन देने के 45 करोड़ मिले थे। हाँ, बिल्कुल, कितना पड़ा था मिचेल स्टॉक, एक्सपेंसिव प्लेयर था। हाँ, उसको था कि तुम रन दिए जाओ, पैसे हम तुम्हें देंगे, उसकी वजह से एक एक बॉल के कोई 1-1 लाख रुपए। हाँ, कि भैया तुम छक्के जितने खाएगा ना उतने हम पैसे देंगे। तो वो मेरे ख्याल से लाखों के छक्के हो गए थे। अभी बेचारे की लिविंग स्ट्रॉन्ग है इंग्लैंड का, लिविंगस्टन, हाँ, इंग्लैंड का, वो रिटायर हो जाएगा अब स्टॉक बहुत जल्दी। हाँ, इतना मारा 28 रन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की तारीख में कोई बॉलर इतना नहीं पड़ा जितना मेरे ख्याल से, कितने 4 छक्के और 1 चौका लग गया था। बिल्कुल, चले शोभ भाई बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आज अज के प्रोग्राम में एतरो ही हो, असें फीडबैक जरूर दींदा, सुबह तक मुलाकात थी, ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।